हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कैप्टन इरफान और आज का टॉपिक है ओपन सीडीसी के बारे में। इस सीडीसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप 3 महीने में ही आप किस तरीके से सीडीसी आपके पास में आ जाएगी, ये सीडीसी क्या होता है और आपको ट्रेनिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, एज वगैरह ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखिए। अगर इन केस अगर मेरे से अगर कुछ छूट जाता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ओपन सीडीसी क्या होती है? ओपन सीडीसी एक ऐसी सीडीसी होती है जो आप कम टाइम में आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, 12 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करना पड़ेगा। और ये आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर में ही आपके पास में ये सीडीसी आ जाएगी, तो आप कैपेबल रहेंगे शिप पे जाने के लिए। तो ओपन सीडीसी मिलने के बाद में आपका क्या रैंक रहेगा और इसमें क्या सैलरी रहेगी, इसकी एज कितनी रहेगी, ये सारा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ओपन सीडीसी से पहले अगर आपकी एज 17.5 साल से लेकर 25 साल है और आपने 10th कंप्लीट किया या 12th कंप्लीट किया है तो आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए जाएं। अगर आप 10th के बाद जा रहे हैं तो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए जाइए, क्रू में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस का ट्रेनिंग कीजिए। ये सारे दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में मैं बता के रखा हूँ, तो आप वो जाके आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, जो ये ओपन सीडीसी रहती है, ये ओपन सीडीसी के लिए सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बेसिक कोर्स जो रहते हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेसिक कोर्स के आपको कहाँ से करना है? बेसिक कोर्स आप किसी भी एकेडमी से आप कर सकते हैं। वो आजकल हर मेट्रो स्टेट में ये एकेडमी है, वहाँ से आप पता कर लीजिए और आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों, उससे पहले आपको जैसे 10th आपका क्लियर होना चाहिए और आपके पास में पासपोर्ट कंपलसरी है, पासपोर्ट आपको चाहिए। पासपोर्ट के बाद में आपको इंडोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो आप एकेडमी में जब आप कॉल करेंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सर, मेरे को इंडोर्स भी चाहिए और मेरे को 5 कोर्सेज भी कंप्लीट करने हैं। तो एकेडमी वाले आपको जिस तरीके से बताएंगे तो उस तरीके से आप कीजिए। ये जो कोर्स है ये ज़्यादा महंगा नहीं है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये सिर्फ 3 दिन 4 दिन ऐसे करके मतलब 5 कोर्सेज हैं, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कंप्लीट करने के बाद में आपको मेडिकल साथ में मेडिकल भी करवा लीजिए, वो भी आपका टाइम बच जाएगा। मेडिकल आप करवा लीजिए किसी भी डीजी अप्रूव डॉक्टर से, मतलब किसी भी डॉक्टर से नहीं, डीजी अप्रूव डॉक्टर से आप मेडिकल करवा लीजिए। आप नेट पे जाइए, अपने स्टेट का नाम लिखिए, वहाँ पे डीजी अप्रूव डॉक्टर टाइप कीजिए तो आपको गूगल खुद ही बता देगा, तो आप उनसे मतलब कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हाँ, मेडिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिकल आप बाद में मत कराइए, मेडिकल आप पहले करवा लीजिए। पहले आप मेडिकल करवा लेंगे तो मेडिकल मर्चेंट नेवी में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि फिर आपको फिट है या अनफिट। मेडिकल एक नॉर्मल मेडिकल रहेगा, जैसे आपको 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए, 6x9 भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्लर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और एक मेन पॉइंट है कि आपको फिट होना चाहिए सी में रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, क्लर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए पूरा मतलब फिर आप शिपिंग लाइन में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो आई साइड आपकी मतलब अच्छी होनी चाहिए, 6x6 या 6x9, ये दोनों आई साइड से आप मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल का सबसे पहले आपको मेडिकल मिल गया, इंडोर्स मिल गया, आपने बेसिक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। बेसिक कोर्स आपका समझ लीजिए 15 दिन या 20 दिन में आपको बेसिक कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। असेसमेंट क्लियर करने के बाद में फिर आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्जिट एग्ज़ाम MMD की वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ही आप उस एकेडमी में, कोई से भी एकेडमी में मतलब अप्लाई करेंगे, एकेडमी आपको मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, उसके बाद में फिर चेन्नई, कोची और कलकत्ता, गोवा, ये सारे स्टेट्स में आपको मर्चेंट नेवी की एकेडमी मिल जाएगी। तो आप पहले नेट पे चेक कीजिए कि आपको कौन सी एकेडमी में करने का है। तो दूसरी बात, फिर आपको MMD में एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आपका MMD में आपने एग्जिट एग्ज़ाम कंप्लीट किया तो
एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका जो आपने यहाँ पे एकेडमी में ट्रेनिंग की थी वो सारे सर्टिफिकेट आपको नेट पे शो करने लगेंगे क्योंकि आपने पहले ही इंडोर्स ले चुका है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मतलब आपकी सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो एक नॉर्मल सा फीस रहता है 700 रुपीज़ में, 700 रुपीज़ में आप CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें अपलोड कर देंगे तो विद इन 35 days to 40 days के अंदर में आपको CDC आ जाएगी। तो समझ लीजिए तीन महीने के अंदर में आपको CDC आ जाएगी। तो ये जो रैंक रहेगा, ये रैंक में आप जब आप शिप पे जाएंगे तो एज अ क्रू के रैंक में जाएंगे। तो दोस्तों जो पहला रैंक रहेगा वो OS रहेगा या वाइपर रहेगा। इंजन में अगर जाएंगे तो वाइपर रहेगा, अगर डेक में जाएंगे तो OS रहेगा। OS जो डिपार्टमेंट है मर्चेंट नेवी के, ये भी मैंने अपने वीडियो में बना के रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि मर्चेंट नेवी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड अगर आप, मैं डेक की बात करता हूँ, तो अगर आप डेक पे जाएंगे तो पहला होता है OS, ऑर्डिनरी सीमैन जिसको बोलते हैं। ऑर्डिनरी सीमैन एक ऐसा जॉब होता है जो आपको हर काम करना पड़ेगा शिप पे, जो आपको बोसन बोलेंगे, जो आपको चीफ ऑफिसर बोलेंगे या मास्टर बोलेंगे, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो इसकी सैलरी रहेगी वो कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मिनिमम आप पकड़ के चलिए $250 से या $250 से स्टार्टिंग हो ही जाती है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही आप अपना 3 महीने का आपने ये कोर्स किया और आपके पास में आ चुके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप ये मत सोचिए कि तुरंत ही मतलब शिपिंग कंपनी आपको कॉल करके बुला लेगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको हर एक शिपिंग ऑफिस में जाना पड़ेगा। शिपिंग ऑफिस में भी मतलब अपनी CVs वगैरह आप डालिए और उसमें मतलब आप इंटरव्यू दीजिए और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। पर दोस्तों ये कोर्स करना, ये बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स है, ये आपको ईजिली अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैं आपको रिफ़र करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप ट्रेनिंग कीजिए, 6 महीने की ट्रेनिंग कीजिए या 9 महीने की ट्रेनिंग कीजिए। इससे आपको पूरा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि मतलब कैसी पढ़ाई होती है, क्या है, आपको बेसिक के सारी नॉलेज एकेडमी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आपको एकेडमी के बारे में पता करना पड़ेगा कि इनका मतलब प्लेसमेंट का कैसा है। और एडवांस में कोई भी एकेडमी मतलब स्टार्टिंग में सारे पैसे नहीं ले लेती, पहले होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप क्रू में जाना चाहते हैं, OS में जाना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो GP रेटिंग का होता है। इसका भी मैं वीडियो अपने बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी रिफ़र कर सकते हैं कि GP रेटिंग क्या होता है। तो आपको पता चल जाएगा GP रेटिंग और वाइपर ये दोनों इक्वली रहते हैं, बस वाइपर इंजन में काम करते हैं और जो OS रहते हैं वो डेक में काम करते हैं। जब आप GP रेटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे, डेक में भी जा सकते हैं, इंजन में भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप डेक में जाएं या इंजन में जाएं। तो दोस्तों आपको 6 महीने की ट्रेनिंग या 1 साल की ट्रेनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आप किसी भी शिपिंग ऑफिस में जाएंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपको मतलब उस सामने वाले भी समझेंगे कि हाँ आपने ट्रेनिंग करके आई है, तो फिर आपके अंदर में कुछ हुनर होगा तभी आप मतलब यहाँ तक मतलब पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप घबराइए मत, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दीजिए। एक बार नहीं होता तो फिर साल में 2 बार होता है इसका, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। 17.5 साल से स्टार्टिंग हो जाता है, 25 साल तक मतलब आप दे सकते हैं, कंटिन्यू दे सकते हैं। एक बार नहीं हुआ दूसरी बार ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो तीसरी बार ट्राई कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पहले ट्रेनिंग के लिए जाएं, इन केस अगर आपसे नहीं होता और आप या तो फिर आप फीस नहीं दे पा रहे हैं एकेडमी में क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप ये ओपन CDC के लिए आइए। ओपन CDC आपको बहुत सस्ते में भी मिल जाएगी और आपको इजीली आपको शिपिंग में एंट्री मिल जाएगी कि हाँ ये आपको एलिजिबल रहेंगे कि इसमें मतलब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे से कुछ टॉपिक अगर मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए इसमें नहीं बताता क्योंकि मतलब कंटिन्यू मेरे पास में फ़ोन आने लगेंगे तो उसके वजह से नहीं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए, थैंक यू।